हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है साइंस के ऑनलाइन प्रश्न को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन सी जो सबसे अधिक मात्रा में आंवला में प्राप्त होता है। आगे दिया गया कि मानव शरीर में गुर्दे का कार्य क्या है। तो मानव शरीर में फ्रेंड्स गुर्दे का कार्य क्या होता है, यानी किडनी का कार्य जो होता है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। शरीर में जितने भी बेकार पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकालता है हमारा गुर्दा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किसकी कमी से रतौंधी होती है। फ्रेंड, तो हमें जो है विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी होती है। राइजोबियम पादप भूमिगत प्रारूप है। तो राइजोबियम फ्रेंड्स एक प्रकार का तना है। क्या है? राइजोबियम एक प्रकार का पादप तना है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था। तो चेचक के टीका का आविष्कार फ्रेंड एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक थे जिन्होंने चेचक के टीका का आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो शरीर में फ्रेंड 206 हड्डियाँ होती हैं। अगर अगर फ्रेंड्स अगर बच्चों में पूछ दिया जाए तो ये लगभग 300 हड्डियाँ होती है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी या अस्थि कौन है। तो ये फ्रेंड्स हमारे फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हृदय 1 मिनट में धड़कता है फ्रेंड, यानी कि स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय जो है 1 मिनट में 72 यानी कि 72 बार धड़कता है 60 सेकेंड में। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड कि खून का रंग लाल होता है। तो खून का लाल जो है फ्रेंड हीमोग्लोबिन जो होता है उसके कारण जो हमारे खून का रंग लाल होता है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन का यौगिक है। किसका? प्रोटीन का। लाल रक्त कण कणिकाओं का जीवन काल होता है, तो ये फ्रेंड्स 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन। यही यही अगर स्वच्छ ब्लड रहता फ्रेंड्स तो इसका 2 से 4 दिन होता है जीवन काल। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। तो रुधिर यानी कि रक्त जो होता है फ्रेंड उसको थक्का जमाने में विटामिन के जो है हमें सहायता करता है। रुधिर का तरल भाग होता है फ्रेंड यानी रक्त का जो तरल भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा बोला जाता है। क्या? प्लाज्मा। पित्त उत्पन्न होता है फ्रेंड। तो पित्त जो है उत्पन्न कहाँ से होता है? यकृत से। ये फ्रेंड यकृत यानी कि लीवर से उत्पन्न होता है। और जामा कहाँ होता है फ्रेंड? तो बॉल ग्लाडर में यानी कि पिताशय में ये जाकर जमा होता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही। तो फ्रेंड्स सर्वदाता यानी कि सभी को दान देने वाला, तो सर्वदाता फ्रेंड वो होता है। और सर्वग्राही यानी ग्रहण करने वाला, तो सभी जो ये भी जो है सभी से ग्रहण कर सकता है और वो जो आप किसी को भी दान दे सकते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। उसका बताना है कि स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर जो है कितना होता है। तो इसका फ्रेंड्स 120/80 होता है, 120/80। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि अशुद्ध पदार्थों को रक्त से अलग करता है। तो अशुद्ध पदार्थों को रक्त से कौन अलग करता है? तो ब्रिक यानी कि किडनी करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका फ्रेंड्स तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। आगे देखिए कि हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो हाइड्रोफोबिया फ्रेंड्स एक बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होती है। किससे? कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है। तो वायरोलॉजी फ्रेंड्स ये विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। खून का थक्का नहीं जमता है। तो फ्रेंड्स खून थक्का नहीं जमने के कारण क्या है? हीमोफीलिया रोग जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसमें खून जो थक्का नहीं जमता है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा और एम ग्लूकोमा रोग संबंधित है फ्रेंड। तो ये जो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा जो है आँख से संबंधित है। ये आँख दोनों जो है आँख की बीमारी से संबंधित है फ्रेंड्स। प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी से फ्रेंड मलेरिया रोग होता है। क्या होता है? मलेरिया रोग। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, यानी कि किसका प्रतिकण है? तो पॉजिट्रॉन फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। आगे दिया गया हमारा, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? तो जड़ों को रूपांतरण का उदाहरण फ्रेंड्स मूली भी जड़ है, गाजर भी जड़ है और शकरकंद भी एक प्रकार का क्या है, तो जड़ है फ्रेंड। तने का रूपांतरण का उदाहरण है, तो आलू भी तना है फ्रेंड्स, अदरक प्याज ये सब क्या है, तना है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स,
लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लोहे की मात्रा सर्वाधिक जो फ्रेंड्स पालक के पत्तों में होती है, हरी पत्तियां में होती है, सब्जियों में होती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा फ्रेंड्स 5 से 6 लीटर होती है। पूरे शरीर का जो है 7% भाग जो है हमारे शरीर में रक्त की मात्रा होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किससे संतुलित होती है फ्रेंड? तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इससे जो क्या होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन फ्रेंड्स माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। आगे देखिए फ्रेंड्स, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो हड्डियों में मुख्यतः फ्रेंड्स कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्या? कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। तो फ्रेंड्स मानव में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है। अगर जोड़ी पूछा जाए तो 23 जोड़े होते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है फ्रेंड्स। तो रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा फ्रेंड्स जो हड्डियाँ होती है उनके बीच में जो है अस्थि मज्जा होती है, वहीं पर जो हमारा क्या होता है रक्त कण के बीच जो है निर्माण होते रहता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड कि इंसुलिन शरीर में बनती है। तो इंसुलिन फ्रेंड्स अग्नाशय द्वारा बनता है यानी पैंक्रियाज। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि फ्रेंड्स हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। दो वंशानुगत रोग क्या है? तो फ्रेंड दो वंशानुगत रोग है वर्णांधता और हीमोफीलिया। वर्णांधता में फ्रेंड जो है कलर ब्लाइंडनेस होता है और हीमोफीलिया जो है यानी कि खून को नहीं जमने देता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, थायराइड हार्मोन स्रावित होता है। तो थायराइड हार्मोन फ्रेंड्स कहाँ स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है। तो ये फ्रेंड्स गिल्स यानी कि गलफड़ा से सांस लेती है। जठर रस में पाया जाता है फ्रेंड। तो जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है जठर रस में HCl पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो लाइकेन में परस्पर सहजीवी फ्रेंड्स कवक और शैवाल होते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है फ्रेंड। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो हीमोग्लोबिन फ्रेंड्स जो रक्त होता है उसमें जो क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो अभी फ्रेंड देखें कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर है। प्रोटीन का पाचन होता है फ्रेंड। तो प्रोटीन जो है सब कहाँ पाचन होता है? तो छोटी आंत में पाचन होता है। भोपाल गैस कांड 1884 में रिसाव हुआ था फ्रेंड। उसमें कौन सा गैस रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है यानी कि स्रावित निकला था। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जीवन रक्षक हार्मोन यानी कि जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि जो होता है फ्रेंड्स उससे हम जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। इसी को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। इसी को लव हार्मोन भी बोला जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण फ्रेंड्स ये लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या थैली की थैली कहते हैं। आगे देखा फ्रेंड्स, डीएनए और आरएनए क्या है? तो एक दोनों न्यूक्लिक अम्ल है फ्रेंड। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का समान ताप होता है। तो फ्रेंड्स मानव शरीर का समान ताप फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन फ्रेंड 310 केल्विन होता है। आगे देखिए फ्रेंड, काला हीरा तथा काला शीशा। तो फ्रेंड्स काला हीरा जो है कार्बोनेडो को और काला शीशा जो पेंसिल में ग्रेफाइट होता है उससे बोलते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि। तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि फ्रेंड स्टेपी जो कान में होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस फ्रेंड ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का। प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री फ्रेंड्स राइबोसोम को बोलते हैं जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व फ्रेंड एनामिल होता है जो हमारे दांतों में होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी फ्रेंड इसका हो जाएगा आंसर शुतुरमुर्ग जो है संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या होती है। तो खोपड़ी में फ्रेंड्स 8 अस्थियाँ होती है।
आगे दिया गया जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, तो जीन का संश्लेषण किसने किया था, तो हमारे वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना जो है, इन्होंने जीन का संश्लेषण किया था। संसार का सबसे छोटा पुष्प फ्रेंड, तो संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है, बुल्फिया, और सबसे बड़ा रेफलेसिया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है, तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण फ्रेंड पिता के क्रोमोसोम पर होता है, न कि महिलाओं के, सिर्फ केवल पिता के क्रोमोसोम पर होता है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी फ्रेंड, तो शरीर में जो लगभग 639 मांसपेशियाँ होती है, और हड्डियाँ कितना फ्रेंड 206 होती है। आगे देखिए फ्रेंड, पुरुष जीन संघटक होते हैं, तो फ्रेंड्स पुरुष जीन में जो है एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला दिया गया फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, जब फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें जो है हमें पानी की ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो जल से जो होता है, यानी कि H2O, वहाँ से हमें जो जल से जो है ऑक्सीजन प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैसें हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पेड़ पौधों के जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। मधुमेह रोग जो है फ्रेंड्स होता है, तो मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन यानी कि डायबिटीज़ की कमी के कारण होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है पत्ती, पौधे जो है फ्रेंड्स पत्तियों से जो है प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन बनाती है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो ब्रोंकाइटिस एक कृत्रिम हृदय फ्रेंड्स। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो लड़का होगा फ्रेंड तो उसमें जो है 22 क्रोमोसोम प्लस वाई होता है, तो आपका जो है क्या होगा, लड़का होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो यहाँ तक फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।